टाइनी बम्स, टेक्सचर्ड स्किन, ये ऐसा नहीं लगता हर दूसरे इंसान को होती ही है, बस रीजन अलग अलग होते हैं। पहले मुझे भी था, जैसे आप देख सकते हो, टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे चाहिए था कि मेरा स्किन एकदम क्लियर हो, तो मैंने ना बहुत सारी चीजें ट्राई की उसको ठीक करने के लिए एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। धीरे धीरे मेरी स्किन क्लियर होने लग गई। तो वही सारी चीजें मैं बताऊंगी जो मैं घर में हर दिन करती थी एंड आप भी उसको कर सकते हो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, जो ऑब्वियसली आप हर दिन करते होगे, वो है फेस वॉश। यहाँ पे मैं नेचुरल फेस वॉश यूज कर रही हूँ, तो अच्छे से पूरा फेस वॉश करना है, एक कोने को भी छोड़ना नहीं है। आप कोई सा भी फेस वॉश यूज कर सकते हो, मार्केट वाला भी एंड नेचुरल वाला भी। मैं भी ऐसे ही यूज करती हूँ, जब मेरा मन करता है तो मैं नेचुरल यूज करती हूँ, जब मन करता है तो मार्केट वाला यूज करती हूँ। तो मैं कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है एंड मैं कौन सा नेचुरल फेस वॉश ज्यादा यूज करती हूँ उसका प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, इसके बाद जाके देख लें। नेक्स्ट चीज आपको करनी है फेस स्टीमिंग अच्छे से पूरे चेहरे में, या तो आप क्लॉथ से कर लो या तो आप स्टीमर से कर लो। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरा 15 मिनट तक स्टीमिंग करते रहो, 1-2 मिनट तक स्टीमिंग करो, जब आपको लगे अच्छे से हो जाए फिर डन। नेक्स्ट चीज हम करेंगे, मेरा फेवरेट पार्ट, वो है फेस स्क्रब। ये मैं यूज कर रही हूँ ओट्स वाला स्क्रब, जो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा। ओट्स मैंने पाउडर लिया एंड उसमें पानी डाल के इससे मैं स्क्रब कर रही हूँ। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो मैंने फेस स्क्रब की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डालूंगी, इसके बाद जाके देखना। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि ये वाले ब्रांड का ओट्स ले आओ एंड उसका पाउडर बना के स्टोर करके रख दो। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम फ्यूचर के हिसाब से सोच रहे हैं, हर हफ्ते कौन ये सोच नहीं बैठेगा कि आज मैं कौन सा स्क्रब लगाऊं। एंड ओट्स एक ऐसी चीज है जो सारी स्किन को सूट करता है, बस आपको पाउडर बना के एक डब्बे में स्टोर करके रख देना है एंड हर हफ्ते जब आप करोगे बस पाउडर में पानी डाल के उसको स्क्रब करना है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने ओट्स ट्राई किया एंड मेरे स्किन में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसे भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ओट्स के अलावा कुछ बता दो, हमारे पास ओट्स नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि ओट्स ले आओ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना सॉर्टेड है, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हर हफ्ते पाउडर डालो एंड कर लो। नेक्स्ट स्टेप है फेस स्क्रब के बाद DIY फेस पैक। ये मेरा फेवरेट है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि एलोवेरा जेल लो, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस डालो एंड अपने चेहरे में पूरा लगाओ। एंड अब सुनो, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको फिर भी करना है तो ये फेस पैक वाला आप हटा सकते हो, बाकी सब आप कर लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ये फेस पैक वाला करो। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता लेकिन मैं हफ्ते में एक बार करना चाहती हूँ तो मैं ये फेस पैक वाला हटा देती हूँ, बाकी सारे स्टेप्स कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं ये फेस पैक वाला भी साथ में कर लेती हूँ। इसके बाद आपको अपना स्किन केयर रूटीन करना है, जो आप ऑब्वियसली डेली करते ही होगे, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन। आपको ऐसा लग रहा होगा ना बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फेस वॉश तो आप डेली बेसिस पे करते ही होगे, बस आपको स्टीमिंग और स्क्रबिंग करना है। एंड मैंने जो DIY फेस पैक बताया, अगर आप फ्री हो तो आप उसको भी कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। अगर आप फ्री नहीं हो ना तो उसको फिर आप हटा दो। इसी स्टेप्स को आपको हफ्ते में 2 बार करना है या फिर 1 बार करना है। आई नो टाइम नहीं मिलता, तो जब मुझे टाइम नहीं मिलता ना तो मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ संडे को। लेकिन जब मुझे लगता है कि मैं इस बार फ्री हूँ इस हफ्ते, तो मैं संडे को भी करती हूँ एंड वेडनेसडे को भी करती हूँ, मतलब 2 बार। एंड धीरे धीरे आप करोगे ना हर हफ्ते, तो आप देखोगे कि कितना अच्छा चेंज आया है। जैसे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले एंड मुझे कमेंट्स में भी आके बताना आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। इस वीडियो को मैंने इतना लंबा बनाया तो एक लाइक तो बनता है एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर मुझे वहां तक अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो। ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उस घंटी को भी दबा लेना ताकि मैं और भी वीडियोस ला रही हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप मिस ना करो।